सिर्फ 5 रुपए में आप अपने डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये मुमकिन है, वो भी आयुष मंत्रालय द्वारा रिसर्च करके बनाए गए एक अद्भुत आयुर्वेदिक फॉर्मूला से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत आम हो चुकी है। पहले हम देखते थे कि ये बीमारी बुजुर्गों में देखने मिलती थी आफ्टर 40, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, परंतु दोस्तों आजकल ये छोटे बच्चों में, यंगस्टर्स में भी देखने मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बारे में, जिसको हम हमारे आम भाषा में शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। दोस्तों भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि आज के समय में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे भारत देश में देखे जाते हैं। चूँकि ये बीमारी डायबिटीज़ हमारे समाज में, देश में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, इसके दुष्प्रभाव काफ़ी देखने मिल रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैंने आज ये विचार किया, प्रण किया कि मैं आपसे आज डायबिटीज़ के बारे में बात करूंगा और इसके बारे में जो भी अच्छे उपाय हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आज सिर्फ शुगर यानी डायबिटीज़ के बारे में आपसे बात ही नहीं करने वाला, परंतु आयुर्वेद के ज़रिए इस शुगर की बीमारी को, इस डायबिटीज़ की बीमारी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर डायबिटीज़ की बीमारी को हम कंट्रोल नहीं करें, सही समय पर दवा ना लें, तो ये आगे जाके गंभीर कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी समस्या हमारे शरीर में पैदा कर सकती है। जैसे कि हाई ब्लड शुगर रहने से हमारे आँखों में कमज़ोरी आ सकती है, अंधापन तक आ सकता है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोल सकते हैं। हमारी आँखों का जो रेटिना है वो ख़राब हो जाता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी बन जाता है। हमारे किडनीज़ पर इसका असर पड़ता है, किडनीज़ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, किडनी धीरे धीरे फेल होने लग जाती है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। पैरों में जो हमारे नसें होती है उसमें कमज़ोरी आ जाती है, उसमें सुन्नपना आ जाता है, झंझनाहट सी होती है, नमनेस आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ एक अकेली बीमारी नहीं है, उसको हम कंट्रोल में नहीं रखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है, इसलिए सही समय पर डायबिटीज़ का पता करना, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स हमेशा कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, और इसमें आयुर्वेदिक इलाज और दवाएं काफ़ी आपकी मददगार साबित हो सकती हैं। दोस्तों आयुर्वेद आयुष 82 एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का पावरफुल मिश्रण है, जिसे खुद CCRAS आयुष मिनिस्ट्री द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है। इसके अंदर आम्र बीज यानी कि मैंगो सीड्स हैं, जो कि हमारे शरीर में शुगर के लेवल को काफ़ी कंट्रोल में रखते हैं और इस तरह ये डायबिटीज़ में मददगार होते हैं। दोस्तों इसके अंदर ऐसी कुछ कैपेसिटी है जो कि हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे इंटेस्टाइन्स और लीवर हैं उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होती है, उनको ये प्रभावित करता है, चेंज करता है, ताकि वो शरीर में ब्लड शुगर का एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम करे। इसलिए आम्र सीड्स का बहुत अच्छा उपयोग आयुर्वेद आयुष 82 में किया गया है। इसमें करेला का भी उपयोग किया गया है, और हम सभी जानते हैं कि करेला डायबिटीज़ यानी शुगर का दुश्मन होता है, क्योंकि करेला में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में इंसुलिन के समान काम करते हैं। करेला खाने से हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है और डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। ये जो दोनों तरह की जो हमारी शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों में फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों करेला रोज़ाना खाने से जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनकी दवाइयाँ तक कम हो जाती है, इतने गुण हैं करेला के अंदर। आयुष 82 में जम्मू बीज और उसके साथ में गुड़मार बीज के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ये दोनों ही हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाकर डायबिटीज़ को ख़त्म करने में काफ़ी मदद करते हैं। आयुर्वेद आयुष 82 एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा है जो कि न हमारे शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, परंतु इससे जो पहले हो चुके कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी धीरे धीरे, उनका जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर है उनको भी धीरे धीरे ठीक करने में काफ़ी मदद करती है। सबसे अच्छी बात इस दवा के बारे में ये है कि ये आयुर्वेदिक दवा है, ये आपके बीमारी के लक्षण पर ही नहीं काम करती, परंतु उसके जो मूल कारण है, रूट कॉज को दूर करती है, ताकि ये बीमारी आपको बार बार परेशान नहीं कर पाए। इस दवा के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे पैंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं जिसमें इंसुलिन बनता है, उनको स्टिमुलेट करती है, उनको मदद करती है, स्टिमुलेट करती है, रीजनरेट करती है, ताकि वो इंसुलिन प्रोडक्शन सही तरीके से कर सके और हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको सही कंट्रोल में हम रख सके। इस दवा को रोज़ाना नियमित रूप से लेने से ये आपके शरीर में जो शुगर यूटिलाइजेशन है वो टिश्यू लेवल पर ही इंक्रीज़ करती है। इस दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसीलिए कोई भी इसे आसानी से ले सकता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है
कि हमने आम जनता का ध्यान रखते हुए इस टैबलेट का दाम यानी कि कॉस्ट सिर्फ 5 रुपये प्रति गोली रखी है, जो कि डायबिटीज़ यानी शुगर जैसी बीमारी जो तेज़ी से बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कम है। ये सब मुमकिन होगा आयुष 82 की सिर्फ 2 गोलियां रोज़ाना खाने से 3 महीने तक, और फिर रिजल्ट्स आपके सामने होगा, शुगर आपकी कंट्रोल होगी और डायबिटीज़ से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर आप ये आपका कोई जानने वाला शुगर की बीमारी से परेशान है और अगर वो आयुर्वेद आयुष 82 को लेना चाहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप कॉल करके इसे तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आयुर्वेद आयुष 82 के साथ में हमारे देश में जितने तेज़ी से डायबिटीज़ के केसेस बढ़े हैं उतने ही तेज़ी से ये अब कम भी होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और लाकर दे सकें। दोस्तों, आप अपने और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।